नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं खुशबू मिश्रा। दिल्ली में नरेंद्र, महाराष्ट्र में देवेंद्र, जी हां, सियासत की धुरी पर हर दांव पेच में माहिर मोदी शाह की जोड़ी ने फिर से कमाल कर दिखाया है। असंभव से दिख रहे सियासी सूत्र को साध कर फिर से एक बार खुद को राजनीति का अजय योद्धा साबित कर दिया है। तो महाराष्ट्र में चुनाव परिणाम आने के बाद से राजनीतिक उठापटक जारी है, लेकिन बीती रात जो कुछ हुआ उसने राजनीति के उन तमाम दिग्गजों को सन कर दिया जो सियासत के दंगल में ताल ठोक कर अपने गठबंधन की नई रूपरेखा तय कर रहे थे और बीजेपी को आंखें दिखाकर बता रहे थे हम में है दम, बाकी सब है पानी कम। मगर शाह तो शहनशाह है जिनका कोई शानी नहीं है। महाराष्ट्र की राजनीति में सबसे बड़ा भूचाल, दोस्त बने दुश्मन और दुश्मन बन गए दोस्त। चाचा को चकमा देकर भतीजा बीजेपी का हो गया। सोते रह गए पवार, भतीजे ने बना ली सरकार। शिवसेना को अब एनसीपी पर एतबार ना रहा। शिवसेना के दिल की आवाज पवार से पाप हो गया। बीजेपी के चाणक्य की शह शिवसेना को मात। शाह ने चली ऐसी चाल, बदल गई सियासी बयार। फिर से सियासत के सुपरमैन बने शाह। एनसीपी की टूटी घड़ी, बीजेपी का बदल गया वक्त। शिवसेना के सालों का सपना टूट गया। तो महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में जिस तरीके से उलटफेर हुआ है उसे देखने के बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि राजनीति की केवल एक ही नीति होती है कि आखिर कैसे सत्ता हासिल की जाए, क्योंकि महाराष्ट्र की सियासत जिस हालात से गुजर रही है वो इसी ओर इशारा कर रही है। महाराष्ट्र में सियासी उलटफेर के बीच शायराना तीरों का इस्तेमाल भी खूब देखने को मिल रहा है। देवेंद्र फडणवीस के दोबारा मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत कई नेताओं ने शायरी के जरिए अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। सत्ता हाथ में आते आते कैसे फिसल जाती है, इसका अनुभव आज कांग्रेस से बेहतर कौन बता सकता है। महाराष्ट्र में अंक गणित, रेखा गणित, बीज गणित, ना जाने कितनी गणित लगा दी, जोड़ तोड़ की सारी राजनीति कर ली, सारे दांव पिंच लगा लिए, लेकिन अगली सुबह अपनी होगी इसका ख्वाब लिए रात में सोए और सुबह होते होते सत्ता ने ऐसी बेवफाई की कि पता ही नहीं चला। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने टूटे हुए दिल से लिखा है कि वो जो कहते थे हम ना होंगे जुदा, बेवफा हो गए देखते देखते। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने एक बार फिर से बशीर बद्र के इस शेर को लिखा कि सियासत की अपनी अलग जुबान है, लिखा है जो इकरार, इनकार पढ़ना। महाराष्ट्र के सियासी सुनामी में शायरी का तड़का लगाने में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला भी पीछे नहीं रहे। सुरजेवाला ने लिखा, मुझे मत देखो ये उजाले मिलाकर, सियासत हूँ मैं, कपड़े नहीं पहनती।
सत्ता सुख को हासिल करने के लिए कांग्रेस के साथ एनसीपी ने भी उतने ही ख्वाब संजोए थे जितने कांग्रेस और शिवसेना ने। किसी ने ठीक ही कहा है, जब दिल टूटता है तो आवाज नहीं होती है, बस दर्द बेहिसाब होता है। और कुछ ऐसा ही एनसीपी नेता नवाब मलिक के अंदाजे बयां से पता चलता है। मलिक साहब लिखते हैं कि दश्त तो दश्त है, दरिया भी ना छोड़े हम, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हम। महाराष्ट्र के महाभारत में फिलहाल बाजी मार चुके बीजेपी का कलेजा 56 इंच से बढ़कर 66 इंच का हो गया है। मंसूबे आसमान पर हैं और ख्वाब ऐसे कि गणित की सारी गणनाएं अपने ही पक्ष में लगा रही हैं। ऐसे में बीजेपी नेताओं का हाल तो पूछिए ही मत। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने शिवसेना पर तंज कसते हुए लिखा है, ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के हुए ना उधर के हुए। सियासत का जो बवंडर महाराष्ट्र में उठा है उस पर बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भला कैसे चुप रह सकते थे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तंज कसते हुए लिखा, आधी छोड़ साजी को धावे, आधी मिले न पूरी पावे। सियासत में सुनामी आई हुई है, गणित के सारे फॉर्मूले लगाए जा रहे हैं। कोई अपने टूटे सपनों को संजोने में लगा है तो कोई रातों रात सीएम बन जाने के तोहफे को संभाल नहीं पा रहा। फिलहाल महाराष्ट्र की सियासत गरम है, आगे आगे देखिए होता है क्या। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। और चलिए अब आपको महाराष्ट्र की सियासत में रातों रात हुए बड़े उलटफेर की पूरी कहानी समझाते हैं कि आखिर कब क्या और कैसे हुआ कि महाराष्ट्र की पूरी सियासत ही एक झटके में पलट गई और कल तक जो बीजेपी सत्ता की सियासी तस्वीर से बाहर थी उसने कुछ ही घंटों में सब कुछ बदल कर रख दिया। महाराष्ट्र की सियासत में उस वक्त एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला जब सुबह करीब 8 बजे बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और उनके साथ ही एनसीपी नेता अजीत पवार डिप्टी सीएम पद की शपथ लेते दिखे। ये वो तस्वीरें थी जिनके बारे में ना शिवसेना ने कभी सोचा था, न कभी कांग्रेस ऐसी कल्पना कर सकती थी। और तो और, खुद को वक्त वक्त पर महाराष्ट्र की सियासत का महारथी साबित करने वाले शरद साहिब को भी इसकी भनक ना थी, क्योंकि इन तस्वीरों के सामने आने से पहले ये लगभग तय माना जा रहा था कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बनाएंगे और ये गठबंधन महाराष्ट्र को एक मजबूत सरकार देगा। लेकिन बीजेपी आलाकमान की कूटनीति से कल तक जो सियासी तस्वीर में किंग मेकर की भूमिका में थे वो अचानक से साइड लाइन हो गए और जो बीजेपी बैकफुट पर दिखाई दे रही थी वो सत्ता के सिंहासन पर काबिज हो गई। दरअसल शुक्रवार देर शाम देवेंद्र फडणवीस राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के पास सरकार बनाने का दावा पेश करने पहुंचे। फडणवीस ने अपने साथ 173 विधायकों के समर्थन होने का दावा पेश किया। इस दावे में देवेंद्र फडणवीस ने एनसीपी के 54 विधायक और 14 निर्दलीय और अन्य विधायकों के समर्थन का दावा किया, जिसके बाद रात 11:45 के आसपास एनसीपी विधायक दल के नेता अजीत पवार राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के पास एनसीपी के 54 विधायकों के हस्ताक्षर वाली एक चिट्ठी लेकर पहुंचे। अजीत पवार ने अपना समर्थन देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी को देने का पत्र राज्यपाल को सौंपा। एनसीपी का समर्थन पत्र मिलने के बाद राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी इस बात से संतुष्ट हो गए कि देवेंद्र फडणवीस के पास सरकार बनाने के लिए बहुमत का आंकड़ा है। रात 12 बजे ही राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने केंद्र को राज्य में गठबंधन सरकार बनाने के हालात बनने की जानकारी देते हुए राष्ट्रपति शासन हटाने की सिफारिश भेज दी। सुबह 5:45 के आसपास राज्य में लगा राष्ट्रपति शासन हटाने की जानकारी राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को दी गई। सुबह 6 बजे के आसपास राज्यपाल ने देवेंद्र फडणवीस को शपथ दिलाने का फैसला किया। सुबह 6:45 पर देवेंद्र फडणवीस ने राज्यपाल से निवेदन किया कि वो मुख्यमंत्री और अजीत पवार उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे।
बीजेपी की तरफ से शपथ ग्रहण की अर्जी मिलने के साथ ही राज्यपाल ने सुबह 8:07 पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को पद और गोपनीयता की शपथ दिलवा दी। और इस तरह मुख्यमंत्री का ख्वाब देख रही शिवसेना का सपना भी चकनाचूर हो गया और बीजेपी ने अजीत पवार के साथ मिलकर अपने सियासी रणकौशल से सबको आवाक कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। इस पूरे घटनाक्रम पर जहां शिवसेना और एनसीपी ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो वहीं कांग्रेस ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से दूरी बनाकर इशारों इशारों में एनसीपी की भूमिका पर सवाल खड़े कर दिए। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरद पवार साफ तौर पर कहते रहे उन्हें अजीत पवार के इस फैसले की जानकारी नहीं थी और पवार ने साफ कर दिया कि एनसीपी बीजेपी गठबंधन सदन में बहुमत साबित नहीं कर पाएगा। उद्धव ठाकरे ने कहा कि लोकतंत्र के नाम पर जो खेल चल रहा है उसे पूरी दुनिया देख रही है, शिवसेना जो भी करती है खुलेआम करती है, लेकिन चोरी छिपे जो सरकार बना रही है वो सदन में बहुमत साबित नहीं कर पाएगी। तो उद्धव ठाकरे और शरद पवार ने क्या कुछ कहा वो आपको सुनाते हैं। जरूर काही पाकिस्तानवरती सर्जिकल स्ट्राईक करावा तसा सर्जिकल स्ट्राईक महाराष्ट्रावरती शिवरायाच्या महाराष्ट्रावरती केला गेलेला आहे आणि याचा सूट हा महाराष्ट्र घेतल्याशिवाय राहणार नाही। ठीक आहे, मला असं वाटतं यापुढे जे काय होईल ते कायद्यानुसार आणि घटनेनुसार व्हावं, घटनाबाह्य काही करू नये आणि होऊ नये एवढीच माझी अपेक्षा आहे। बाकी पुढे जे जे काय होईल एक निश्चित की आम्ही एकत्र आहोत आणि एकत्र राहू। काँग्रेस पक्षाचे नेता म्हणून अजित पवार यांनी कार्यालयातून घेतल्या आणि आमचा अंदाज आहे, याची माहिती नाही, कदाचित कौलिंगने समजून ते राज्यपालांना सादर केलं असायची शक्यता आहे आणि त्याच्या आधारावर राज्यपालांनी आता आकडा झाला असं समजून शपथ दिली असावी। असं जर असेल तर त्या सह्या पक्षाच्या अंतर्गत कार्यक्रमासाठी घेतलेल्या। और महाराष्ट्र में पल पल के साथ बनते बिगड़ते सियासी समीकरण पर हर तरफ से वार पलटवार जारी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की दोबारा शपथ लेने के लिए देवेंद्र फडणवीस को ढेर सारी शुभकामनाएं और ढेर सारी बधाई। महाराष्ट्र की जनता ने जो आदेश दिया था, जनादेश दिया था, वो भारतीय जनता पार्टी को दिया था, बीजेपी शिवसेना अलायंस में थी, शिवसेना को जो वोट मिले वो बीजेपी के साथ है इसलिए मिले, मोदी जी और फडणवीस सरकार के काम के कारण मिले, उसका शिवसेना ने विश्वासघात किया, महाराष्ट्र की जनता का विश्वासघात किया। शरद पवार साहब हम सब अभी बैठे थे, 8 विधायक सुबह राजभवन में अजीत पवार के साथ 8 विधायक, उसमें से 5 विधायक वापस आए हैं। उनको झूठ बताकर लेके गया था, कहा एक जगह पे बुलाया, गाड़ी में डालकर उनका किडनैपिंग किया लगभग। उसमें से आधे विधायक अभी मौजूद है, आपने देखे होंगे, 3 तो आपने देखे वापस, 2 आ गए हैं। धनंजय मुंडे का भी संपर्क हुआ है, मैं बताना चाहता हूँ, धनंजय मुंडे का भी संपर्क हुआ है और जल्दी ही सब लोग वापस आएंगे, शायद अजित पवार भी वापस आएंगे। शिवसेना के साथ कांग्रेस को नहीं जाना चाहिए था, आगे भी नहीं जाना चाहिए, लेकिन अब आज हालात ये है कि कांग्रेस पार्टी को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया गया। वर्षों से, सदियों से, कितने सौ साल से ज़्यादा समय हो गया, कांग्रेस पार्टी की एक धर्मनिरपेक्ष विचारधारा रही है और उस विचारधारा के ऊपर दाग लगाने का काम पिछले एक महीने में किया, अब किन लोगों ने किया? शिवसेना को मतलब बीजेपी ने लटका दिया है, कांग्रेस को फटका दिया है और एनसीपी को अपने जाल में अटका दिया है, तो मतलब एक अच्छा बात हुआ है, तो ठीक बात है। लोग चाहते थे कि भाई बीजेपी की सरकार बने, शिवसेना की सरकार बने, लेकिन शिवसेना ने एडमंट भूमिका ले ली और उसमें मतलब सीएम पद भी चला गया, बाकी के मंत्री पद भी चले गए, तो शिवसेना को बहुत बड़ा सबक सिखाने का जो काम है ये काम बीजेपी ने किया है। और मुझे हमेशा बोल रहे थे कि आप चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो अभी सब कुछ ठीक हो गया है।